फ्रेंड्स, मैं आशीष मेहता आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी जावा के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में जावा के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, वो जावा क्या होती है उसको डेवलप किसने किया था, और हमने JDK, जावा डेवलपर किट, और कुछ IDE कंपाइलर होते हैं उनको हमने इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम के अंदर, और हमारा पहला प्रोग्राम जो कि हेलो वर्ल्ड का था उसको रन किया था। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज वेरिएबल और वेरिएबल इन जावा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज वेरिएबल। सो ए वेरिएबल इज ए कंटेनर और स्टोरेज क्लास दैट इज यूज्ड टू होल्ड डेटा। ओके, एक वेरिएबल एक कंटेनर और स्टोरेज क्लास होती है जो कि डेटा को रोके रखती है, होल्ड करके रखती है। इन अवर डेली लाइफ यू कैन सी दैट वी हैव सम बैग फॉर कैरी। ओके, कुछ भी इकट्ठा या रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी बैग होती है या पॉकेट होता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल होता है डेटा को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए। ओके, और हर एक वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है। हम जावा के अंदर किसी भी वेरिएबल सॉरी किसी भी नेम को हम दो वेरिएबल का एक जैसा नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज कंपाइलर हमें एरर शो करेगा। ओके, एंड दिस इज द सिंटेक्स ऑफ आवर वेरिएबल, हाउ वी कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल। ओके, सिंटेक्स। ओके, तो सो डेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, हम किस डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोट, इंट, डबल, बुलियन एक्सेट्रा। देन वेरिएबल नेम, जो अपने वेरिएबल का नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम हो गया, किसी का लास्ट नेम हो गया, किसी की एज हो गई, क्लास हो गई, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद उसकी वैल्यू, यदि किसी का नेम होगा तो उसका नेम आएगा, जैसे कि एज होगी तो उसकी एज होगी। और उसके बाद ये सेमी कॉलन, जो मैंने ई के बाद वैल्यू की ई के बाद लगाया हुआ है, इसको नहीं भूलना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दैट अब हम मूव करते हैं अपनी नई स्लाइड की ओर, अगली स्लाइड की ओर। हाउ वी कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल इन जावा। सो बेसिकली जनरली देयर आर टू स्टैंडर्ड वे टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन जावा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैमल केस, सेकेंड वन इज स्नैक केस। सो कैमल केस और स्नैक केस होता क्या है, थोड़ी इस पर बात करते हैं। तो इसके लिए मैं पेंटिंग का यूज़ करूँगा। तो हम पहले बात करते हैं कैमल केस के बारे में। ओके, कैमल केस। ओके, सो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम अपना डेटा टाइप यूज करेंगे, इंट, देन स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एज हो गई, STUDENT। उसके बाद एज में हम ए बड़ा लिखेंगे, AGE इक्वल टू हम लिखेंगे 20 है, और हम सेमी कोलन को मिस नहीं करेंगे, ये एंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी कोलन। ओके, सो यहाँ पर देखोगे आपकी स्टूडेंट का एस और एज का ए बड़ा है, सो इसको हम बोलेंगे कैमल केस। इस टाइप के वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम बोलेंगे कैमल केस। और दूसरा आता है स्नैक केस। स्नैक केस सेम टू सेम हम लिखते हैं, इंट उसका डेटा टाइप रहेगा, और STUDENT, और हम बीच में लगाएंगे अंडरस्कोर, और हम लिख देंगे एज इक्वल टू हम 20 लिख देंगे, और फिर से हम इस सेमी कोलन को लगाएंगे। मतलब सेमी कोलन को हर एक लाइन के एंड में लगाना जरूरी है, अदरवाइज कंपाइलर हमें एरर शो करेगा। तो ये है हमारे स्नैक केस, क्योंकि हमने स्टूडेंट स्टूडेंट और एज के बीच में सेमी कोलन का यूज किया है। तो इस टाइप के वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम बोलेंगे स्नैक केस। ओके, सो इसको हम अपने कोड में कंपाइलर और IDE में रन करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक्लिप्स का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम कैमल केस को देखते हैं, तो मैं लिखता हूँ इंट STUDENT स्टूडेंट, और उसके बाद मैं लिखता हूँ एज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 20, और उसके बाद लिखता हूँ स्नैक केस। तो स्नैक केस में मैं लिखता हूँ इंट STUDENT स्टूडेंट और एज, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल को दो बार नहीं डिक्लेयर कर सकते, तो हम मैंने इस बार एज का ए छोटा रखा है, और उसको मैं 20 कर देता हूँ। ओके, और मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ सिस्टम SYSO, एक शॉर्टकट होता है किसी भी चीज़ आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। तो इसके बाद मैं लिखता हूँ पहले यहाँ पर दिस इज
HTML is variable, okay. Then plus का यूज करके मैं student और एच में ए बड़ा लिख दूंगा, और सेम टू सेम मैं अगले लाइन में लिखता हूँ वाइट एंटीज स्नैक स्नैक इस वेरिएबल और स्नैक के स्टूडेंट एज को मैं प्रिंट कर देता हूँ एज student. अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कुछ एरर दे रहा है. ओ यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, सेमी कोलन. ओके नाउ ऑल आर इज डन. इस बार देखिए मैंने हर लाइन की एंडिंग में सेमी कोलन लगाया है, आपको भी लगाना है अदरवाइज कंपाइलर आपको एरर शो करेगा. तो आपको जाना है रन पे, उसके बाद क्लिक करना है रन अस जावा एप्लीकेशन. आप देखोगे कि इसने दोनों ही आउटपुट को लाइन को प्रिंट कर दिया है, एचटीएमएल केस और स्नैक केस, दोनों टाइप के वेरिएबल डिक्लेरेशन को इसने सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया है. ओके सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहे. हम मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.